कैस्टर ऑयल को किस तरह आप अपने बालों की हेयर ग्रोथ को बढ़ाने के लिए यूज कर सकते हैं, आज की इस वीडियो में मैं आप लोगों के साथ में यही शेयर करने वाली हूँ कि कैस्टर ऑयल कितना ज्यादा अमेजिंग होता है आपके बालों की हेयर ग्रोथ को बूस्टअप करने के लिए। और आज की वीडियो का हमारा मेन टॉपिक ही कैस्टर ऑयल है, तो आज की इस वीडियो में मैं आप लोगों के साथ में एक बहुत ही अमेजिंग सा ब्लेंड शेयर करने वाली हूँ जिसे यूज करने से आपके बालों की हेयर ग्रोथ बढ़ेगी। साथ ही इस वीडियो में मैं आप लोगों के साथ में जो मैंने पहले जो दो वीडियो आप लोगों के साथ कैस्टर ऑयल से रिलेटेड शेयर किए थे उनमें आप लोगों के जो भी डाउट्स थे रिगार्डिंग टू कैस्टर ऑयल वो सब कुछ मैं इस वीडियो में क्लियर करने वाली हूँ। तो इस वीडियो को शुरू से लेकर एंड तक जरूर देखिएगा, ये वीडियो आप लोगों के लिए बहुत ही ज्यादा यूजफुल होने वाली है अगर आप भी अपने बालों में कैस्टर ऑयल को अगर अप्लाई करते हैं या फिर अप्लाई करना चाहते हैं। हाय एवरीवन, दिस इज शालिनी एंड वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल मैजिकल रेमेडीज। आई रियली होप आप सभी लोग बहुत अच्छे से रह रहे होंगे। इस चैनल पर मैं शेयर करती हूँ आप सभी के साथ में नेचुरल रेमेडीज जिनके कोई भी साइड इफेक्ट नहीं होते हैं। रेमेडीज मैंने खुद से ट्राई की है उसी के बाद मैं आप लोग के साथ में ये रेमेडीज को शेयर करती हूँ, तो आप इन रेमेडीज को डेफिनेटली ट्राई कर सकते हैं और अपनी हेयर ग्रोथ को बूस्टअप कर सकते हैं। अगर आपको ये वीडियो थोड़ी सी भी पसंद आती है तो वीडियो को जरूर लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और मेरे इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा। विदाउट फर्दर डू लेट्स गेट इन टू द वीडियो। तो मैंने कैस्टर ऑयल को बहुत लंबे टाइम तक यूज किया है और मुझे इसके बहुत ही ज्यादा अच्छे रिजल्ट्स मिले हैं जैसा कि आप यहाँ पर पिक्चर्स में देख सकते हैं। तो आज की इस वीडियो में जो हेयर मास्क मैं आप लोगों के साथ में शेयर कर रही हूँ उसमें मैंने दो इंग्रेडिएंट का यहाँ पर यूज किया है। फर्स्ट है हमारा यहाँ पर कैस्टर ऑयल और सेकेंड इंग्रेडिएंट है हमारा यहाँ पर अनियन जूस यानी कि प्याज का रस। तो इन दोनों ही इंग्रेडिएंट के बारे में मैं आपको जल्दी से बता देती हूँ कि इनके क्या बेनिफिट्स हमारे बालों के लिए होते हैं। इन पर मैंने दो सेपरेट वीडियो ऑलरेडी आप लोगों के लिए क्रिएट किए हुए हैं, तो आप उन वीडियोस को जाकर देख सकते हैं। अगर इंग्रेडिएंट के बेनिफिट्स के बारे में अगर हमें पता होता है तो अगर जब भी कोई हम एप्लीकेशन अपने बालों पर करते हैं तो उससे हमें और भी ज़्यादा पॉजिटिविटी आती है, जिससे कि जो रेमेडी हम यूज़ कर रहे हैं उसका हमें पॉजिटिव रिजल्ट ही मिलता है। कैस्टर ऑयल जिसे हिंदी में अरंडी का तेल भी कहा जाता है, ये सबसे ज़्यादा थिकेस्ट ऑयल होता है जो भी हम ऑयल अपने बालों के लिए यूज़ करते हैं। तो कैस्टर ऑयल आपके बालों को बहुत ही अच्छे से नरिश करता है, आपके बालों में बहुत ही अच्छे से मॉइस्चर को लॉक करता है। अगर आपके बाल बहुत ज़्यादा ड्राई रहते हैं, आपके स्कैल्प बहुत ज़्यादा ड्राई रहती है, तो आप इस ऑयल को डेफिनेटली यूज़ कर सकते हैं। साथ ही कैस्टर ऑयल आपकी हेयर ग्रोथ को बढ़ाने में, हेयर लॉस को कंट्रोल करने में भी हेल्प करता है। कैस्टर ऑयल में रेटिनोलिक एसिड, ओमेगा 3 फैटी एसिड्स और ऐसे बहुत सारे न्यूट्रिएंट्स होते हैं जो आपके स्कैल्प को हेल्दी बनाते हैं, साथ ही आपके फॉलिकल्स को स्ट्रॉन्ग करते हैं जिससे कि आपकी जो हेयर ग्रोथ है वो बहुत ही अच्छे से होती है। सेकेंड इंग्रेडिएंट जो हम यहाँ पर यूज़ कर रहे हैं दैट इज़ अनियन जूस यानी कि प्याज का रस। प्याज के रस में बहुत ही ज़्यादा मात्रा में सल्फर होता है और सल्फर हमारे बालों को स्ट्रांग और शाइनी बनाने के लिए बहुत ही ज़्यादा यूजफुल होता है। सल्फर का एक्सटर्नल एप्लीकेशन अपने बालों पर करते हैं तो उससे हमारे बालों का हेयर लॉस रुकता है, हमारी हेयर ग्रोथ बूस्टअप होती है और साथ ही अनियन जूस हमारी हेयर फॉलिकल्स को बहुत ही अच्छे से नरिश करता है, स्ट्रांग बनाने में हेल्प करता है और उसकी वजह से हमारा जो हेयर ग्रोथ है वो बहुत ही अच्छे से होता है। साथ ही आपकी इची स्कैल्प, डैंड्रफ जैसी कई तरह की प्रॉब्लम्स को भी सॉल्व करने में हेल्प करता है। तो इन दोनों चीज़ों का ब्लेंड आज मैं अपने बालों में लगाने वाली हूँ। ब्लेंड को बनाने के लिए यहाँ पर मैंने 4 चम्मच कैस्टर ऑयल का यूज़ किया है। आप अपने बालों की लेंथ के अकॉर्डिंग इसे ऊपर या नीचे कर सकते हैं। मैं इस ऑयल को सिर्फ अपनी स्कैल्प के लिए यहाँ पर यूज़ करने वाली हूँ, आप चाहें तो अपने बालों की लेंथ के लिए भी इसे यूज़ कर सकते हैं। तो यहाँ पर 4 चम्मच कैस्टर ऑयल को मैंने हल्का सा गुनगुना कर लिया है और गुनगुना करने के लिए आप इसे माइक्रोवेव कर सकते हैं 8 to 10 seconds के लिए या फिर आप इसे डबल बॉइलिंग मेथड से भी गर्म कर सकते हैं। अगर आप इसे डायरेक्टली हीट अप करेंगे तो इससे जो इसकी गुडनेस होती है वो ख़त्म हो जाती है, तो आपको ऐसा नहीं करना है। तो आपको इसमें ऐड करना है 2 चम्मच यहाँ पर प्याज का रस। तो आप प्याज को ग्रेट कर उसका रस निकाल लेंगे और इसमें ऐड कर देंगे। अब इन दोनों ही चीज़ों को आपको अच्छे से ब्लेंड करना है ताकि ये अच्छे से मिक्स हो जाए और हमारी जो रेमेडी है वो रेडी है। अब आपको क्या करना है कि आपको आपके बालों के सेक्शंस करने हैं। पहले आपको आपके बालों को डिटेंगल करना है, उसके बाद आपको आपके बालों के सेक्शन करते जाना है और इस ऑयल को आपको कॉटन या फिर फिंगर टिप्स की हेल्प से अपनी पूरी स्कैल्प पे अच्छे से लगा लेना है। आपको किसी भी तरह की यहाँ पर बहुत ज़्यादा वाली चंपी नहीं करनी है जिसकी वजह से फ्रिक्शन प्रोड्यूस हो और आपका हेयर फॉल हो। तो हल्के हल्के हाथों से आप यहाँ पर मसाज कर लेंगे, उसके बाद आपको इस ऑयल को आपके बालों में छोड़ना है फॉर 1/2 आवर के लिए। उसके बाद आप अपने बालों को हेयर वॉश कर लेंगे किसी भी माइल्ड शैम्पू से।
अब बात करते हैं जो भी आप लोगों की क्वेरीज थी कि आप, पहला क्वेश्चन ये है कि आप में से काफी लोगों ने पूछा था कि कौन से ब्रांड का कैस्टर ऑयल यहाँ पर यूज करें, तो मैं यहाँ पर यूज करती हूँ विश केयर ब्रांड का कैस्टर ऑयल और इसके रिजल्ट्स मुझे काफी अच्छे मिले हैं। तो आप चाहें तो इस ऑयल को यूज कर सकते हैं, अदरवाइज आप यहाँ पर रे नेचुरल का जो कैस्टर ऑयल आता है उसे भी यूज कर सकते हैं, बट इस बात का हमेशा ध्यान रखें कि कोल्ड प्रेस्ड कैस्टर ऑयल को ही यूज करें। सेकेंड क्वेश्चन मुझे जो आया था वो ये था कि क्या हम इसे ड्राई हेयर्स में लगा सकते हैं। तो कैस्टर ऑयल बहुत ही ज़्यादा थिक ऑयल होता है, अगर आपके बाल ड्राई है तो आप इसे ज़रूर यूज़ कीजिए, ये आपके बालों के लिए बहुत ही ज़्यादा यूज़फुल होगा। कैस्टर ऑयल आपके बालों को बहुत ही अच्छे से नरिश करेगा, आपके बालों में मॉइस्चर को लॉक करेगा, तो आप इसे ऑब्वियसली अपने ड्राई हेयर्स में लगा सकते हैं। कैस्टर ऑयल को हम हेयर वॉश के पहले यूज कर सकते हैं, हम कैस्टर ऑयल को शैम्पू करने से पहले यूज कर सकते हैं। तो जी हाँ, आप अपने बालों में इस ऑयल को लगाकर 2 से 3 घंटे के लिए भी रख सकते हैं और उसके बाद भी आप अपने बालों को हेयर वॉश कर सकते हैं, या फिर आप चाहें तो इस ऑयल को ओवरनाइट भी अपने बालों में लगाकर छोड़ सकते हैं। क्या हम कैस्टर ऑयल को मस्टर्ड ऑयल के साथ में मिक्स कर सकते हैं? तो आप कैस्टर ऑयल को किसी भी ऑयल के साथ में मिक्स कर इजीली लगा सकते हैं, बस आपको क्या करना है कि कैस्टर ऑयल को थोड़ा सा गुनगुना कर लेना है जिससे कि उसकी कंसिस्टेंसी थोड़ी सी लाइट हो जाएगी, तो आपको इसे लगाने में बहुत ही ज़्यादा ईजी हो जाएगा। कैस्टर ऑयल को वीक में कितनी बार लगा सकते हैं? तो देखिए, अगर आप अपने बालों की हेयर ग्रोथ को बढ़ाना चाहते हैं तो कैस्टर ऑयल को आप हफ्ते में 3 दिन बहुत ही आराम से यूज़ कर सकते हैं। अगर आपके बाल बहुत ही ज़्यादा ड्राई है तो आप कैस्टर ऑयल को हफ्ते में 3 बार यूज़ कीजिए। अगर आप अपने बालों पर एज ए प्री कंडीशनर यूज़ करना चाहते हैं कैस्टर ऑयल को सिर्फ शाइन के लिए, तो आप इसे हफ्ते में 1 बार यूज़ कर सकते हैं। और अगर आप अपने बालों के स्प्लिट एंड को क्योर करने के लिए इसे यूज़ करना चाहते हैं तो भी आप इसे हफ्ते में 1 बार यूज़ कर सकते हैं। और अगर आप अपने बालों की रीग्रोथ के लिए इसे यूज़ करना चाहते हैं तो आप इसे आराम से ऑल्टरनेट डे पर यूज़ कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आया था कि क्या हम कैस्टर ऑयल को समर्स में यूज़ कर सकते हैं? तो जी हाँ, आप इसे यूज़ कर सकते हैं, बट अगर आपकी स्कैल्प बहुत ही ज़्यादा ऑयली रहती है तो आप इस ऑयल को आपको ओवरनाइट नहीं रखना है, आप इसे शैम्पू करने के 2 से 3 घंटे पहले लगाइए और उसके बाद अपना हेयर वॉश कर लीजिए और हमेशा इस ऑयल को, जैसे मैंने आपको बताया है, किसी न किसी ऑयल के साथ में मिक्स कर ही आपको लगाना है। नेक्स्ट क्वेश्चन आया था कि क्या हम कैस्टर ऑयल और कोकोनट ऑयल का ब्लेंड बनाकर रख सकते हैं? तो जी हाँ, आप इसे रख सकते हैं। 2:1 का जो रेशियो रहता है उसमें आप इस ऑयल को प्रिपेयर कर इजीली रख सकते हैं और जब भी आपको इसका एप्लीकेशन करना हो आप आराम से कर सकते हैं। कैस्टर ऑयल को रात में लगा सकते हैं? तो जी हाँ, आप कैस्टर ऑयल को कभी भी लगा सकते हैं, आप इसे ओवरनाइट भी लगा कर रख सकते हैं, आप इसे सुबह लगा कर 3 घंटे रख कर भी अपना हेयर वॉश कर सकते हैं। क्या कैस्टर ऑयल से हमें हेयर फॉल होगा? तो जी बिल्कुल भी नहीं, कैस्टर ऑयल से आपको हेयर फॉल नहीं होगा, उल्टा आपका जो हेयर फॉल है वो धीरे धीरे रिड्यूस होने लगेगा। कैस्टर ऑयल को मैंने काफ़ी लंबे टाइम तक यूज़ किया है अपने हेयर फॉल को कंट्रोल करने के लिए, बालों को रीग्रो करने के लिए, बालों की हेयर ग्रोथ को इम्प्रूव करने के लिए। तो मैं 100% श्योर हूँ कि अगर आप इस ऑयल को यूज़ करते हैं तो इससे आपका हेयर फॉल कंट्रोल भी होगा और आपका हेयर ग्रोथ भी इम्प्रूव होगा। तो आई रियली होप मैंने आपकी जो जितनी भी क्वेरीज थी कैस्टर ऑयल को लेकर इन सभी को क्लियर कर दिया है। आई रियली होप आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। अगर आपको ये वीडियो पसंद आता है तो वीडियो को ज़रूर लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा ऐसी ही नेचुरल रेमेडीज़ को देखने के लिए। अब मैं आपसे मिलूंगी एक नेक्स्ट वीडियो में, टिल देन बाय।